रिश्तेदार को इंगोरिया छोड़कर बाइक से घर लौट रहे युवक की बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई और पीछे बैठा होमगार्ड जवान घायल हो गया। जीवन पिता पूरन जोशी 25 वर्ष निवासी चारधाम मंदिर के पास शाम को अपने मौसा ओम प्रकाश को इंगोरिया छोड़ने बाइक से होमगार्ड जवान बलराम के साथ गया था। वहां से लौटते समय उजरखेड़ा हनुमान मंदिर मार्ग पर रात करीब 8 बजे जीवन की बाइक को डंपर चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में जीवन की मृत्यु हो गई जबकि बालाराम घायल हुआ। परिजनों ने बताया कि होमगार्ड जवान बालाराम कलेक्टर बंगले पर पदस्थ है। विद्युत वितरण कंपनी के पश्चिम शहर संभाग में बिजली बिल नहीं भरने वाले 9 लोगों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। इन्हें आगामी 15 दिन की मोहलत दी गई है। यदि फिर भी पैसा जमा नहीं करते हैं तो चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। इनमें बड़े बकायदा निशाने पर है। कंपनी के अमले को चेतावनी दी गई है कि बकाया राशि पर बिल्कुल मोहलत ना दी जाए, उन इलाकों पर रखी जाए जहां खपत ज्यादा हो रही है और बिल कम बन रहे हैं। इसे लेकर ट्रांसफार्मर के अनुसार सूची बनाकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भाकल कॉरिडोर के निरीक्षण को लेकर मंत्रियों का आना शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 19 तारीख को उज्जैन आकर भाकल कॉरिडोर का निरीक्षण करके गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाकल कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद आज नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन आए, साथ में उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल शामिल रहे। भूपेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर कॉरिडोर के बारे में निर्देश दिए। वहीं पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए व महाकाल कॉरिडोर को लेकर व नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पत्रकारों को अवगत कराया। वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद के क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नगर निगम की गैंग पशु पकड़ने पहुंची, जहां पशु पकड़ने और छोड़ने की किसी बात को लेकर पार्षद का कुछ लोगों से विवाद हुआ। पार्षद का आरोप है कि उन्हें चाकू दिखाकर भी धमकाया गया। जब इस पूरे मामले की शिकायत करने पार्षद जीवाजीगंज थाना पहुंचा तो थाने पर उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता करते हुए उनसे गाली गलौज की गई। इस बात को लेकर पार्षद थाने में ही धरने पर बैठ गए और अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। यूपी का युवक साले के साथ उज्जैन दर्शन करने आया और शराब के नशे में नाले में जा गिरा, की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हरिराम 41 वर्ष निवासी उत्तर प्रदेश अपने साले सूरज के साथ 18 सितंबर को उज्जैन दर्शन करने आया था। सूरज ने बताया कि दर्शन के बाद रेलवे स्टेशन पर सोने चले गए, जहां से रात 10 बजे हरिराम उठकर कहीं चला गया। सुबह 3 बजे जब नींद खुली तो वह नहीं मिला। जीआरपी को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए हरिराम दिखा। उसके मोबाइल पर कॉल किया तो देवास गेट स्थित दुकान से उसका मोबाइल मिला। सूरज उसकी शहर में तलाश कर रहा था, तभी पता चला कि अज्ञात व्यक्ति का शव पीएम रूम में रखा है। सूरज ने वहां पहुंचकर शव की शिनाख्त हरिराम के रूप में की।